और भोपाल में आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने समीक्षा की, तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। विधायकों को आने जाने में तकलीफ नहीं हो, क्योंकि अब कोरोना है नहीं, हमारे दर्शक भी आएंगे तो उनको भी प्रवेश देंगे, तो सबकी व्यवस्था ठीक ठाक रहे, कहीं किसी तरह की कानून व्यवस्था में दिक्कत नहीं आवे, हमारी व्यवस्था में दिक्कत नहीं आवे और लोगों को कोई परेशानी भी नहीं हो, इसका निरीक्षण। सर, बजट बजट सर तो सुचारू रूप से चले, उसके लिए क्या वापस से बैठक बुलाई जाएगी? निरस्त इस कारण से नहीं की गई कि निरस्त कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कोई है ही नहीं, तो किसके साथ करेंगे? अब तो आ जाएंगे, कल आए तो कल तो हम शुरू कर देंगे। उसके विधायक या सर्वदलीय विधायक सर्वदलीय बैठक इसलिए होती है कि विधानसभा में सारे दलों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने विधायकों से अपेक्षा करें, उनको निर्देशित करें कि विधानसभा चलाने में सहयोग करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवी जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या जानकारी इस मामले में, किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सत्र है ये। इसलिए आज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी साल का बजट इसमें आएगा 1 मार्च को, आज से इसकी शुरुआत होगी। सरकार के कामकाज का कहीं ना कहीं एक रेफरेंस आता है राज्यपाल की तरफ से, आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होने वाली है। और अगर हम बात करें इस पूरे सत्र की, तो हम बता दें आपको लगभग 3700 के तकरीबन जो है इसमें प्रश्न लगे हैं, जिसमें 1500 प्रश्न जो है वो ऑनलाइन लगाए गए, जो एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि धीरे धीरे मध्यप्रदेश विधानसभा पूरी तरह से कहीं ना कहीं पेपरलेस होने की कोशिश कर रही है, उस लिहाज से अगर देखें तो। दूसरी बड़ी बात है कि इस बार बजट की कॉपी भी जो है जो 1 मार्च को पेश होगा वो टैप के जरिए विधायकों को दी जाएगी। तो तमाम प्रयास है, नए सारे कई सारे इनिशिएटिव्स इसमें है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा सत्र है। अगर हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की बात करें तो इस बार काफी ज्यादा है, 3 स्थगन भी है, देखना है कि वो स्वीकार होंगे कि नहीं। और आज से ये बजट सत्र शुरू होगा, और चूंकि चुनावी साल का बजट सत्र है तो बेहद हंगामेदार रहने की संभावना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, और काफी अहम ये बजट सत्र माना जा रहा है, जो कि हंगामेदार भी रहने की संभावना है।